हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोटो एक्सपोजर। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक ही है। विंटर के टाइम आप लोगों का घूमना घुमाना सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और तबीयत भी आप लोगों का ठीक ही है। तो आज हम जाने वाले हैं गनगनी, जिसको वेस्ट बंगाल का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। तो पहले बता देता हूँ आप लोगों को कैसे आप लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर आप लोग बाई ट्रेन जा रहे हो तो इसके लिए हावड़ा शालीमार और सांतरागाछी स्टेशन से आप लोगों को ट्रेन पकड़ना पड़ेगा और वहां से आप लोगों को जाना पड़ेगा गड़बेता स्टेशन और वहां से आप लोगों को टोटो मिल जाएगा और टोटो में आप लोगों को शायद 10-15 मिनट लग जाएगा। 3-4 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, लेकिन आज हम लोग यहां से बाई बाइक बाई रोड जाने वाले हैं। तो गूगल में जो दिखाया गया है उसी के हिसाब से हम लोगों को 125 किलोमीटर से लेकर 135 किलोमीटर के लगभग जाना पड़ेगा और यहाँ से हम लोगों को 3.5 से 4 घंटे लग सकता है। और गनगनी होकर वहाँ से और एक जगह हम लोग आज कवर करने वाले हैं, वो है प्रयाग फिल्म सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। Just tea break, and here some of my friend. Say hi, man. Hi, guys. चाय पीना भी तो जरूरी है ना? My friend Anj, तो उसके साथ ही निकल पड़ा हूँ हम। तो चलिए चलते हैं, आगे जाकर आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत हो जाएगा। ओके, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपका दामोदर नद है जो हम लोगों को जाने के रास्ते पे ही मिल गया, तो इसीलिए थोड़ा रुक गया। आप लोगों को भी दिखाना चाहता था और मैं भी देखना चाहता था, तो इसीलिए देख लिया। तो देख लीजिए, ये नदी तो बहुत ही बड़ा है, तो देख लीजिए। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। और ये आपका आरामबाग बस स्टैंड है, तो यहाँ पर मैंने रुक गया क्योंकि हम लोगों का ब्रेकफास्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए और जगह भी चाहिए। तो ये जगह मुझे अच्छा ही लगा और दुकान वगैरह भी है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा रुक गया। और आप लोगों को भी कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है तो यहाँ पर खरीद सकते हो।
यहाँ पर बहुत सारा दुकान वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, और बाइक और फोर व्हीलर का रिपेयरिंग गैरेज भी मिल सकता है आप लोगों को। बहुत सामने तो बहुत सारा खाना पीने का ब्रेकफास्ट लंच करने का दुकान मुझे दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पर ही ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं हमारी डेस्टिनेशन के ओर। ये आज का हम लोगों का ब्रेकफास्ट का मेनू है, आप लोग देख सकते हो, तो चलिए खाते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है, और खा पी कर फटाफट यहाँ से निकलते हैं। फ्रेंड्स, तो एट लास्ट में गंगानी कैनियन हमारा जो आज का डेस्टिनेशन था वहाँ पर आ गया। तो नीचे जाते जाते आप लोगों से कुछ बात मैं शेयर करना चाहूँगा, ज़रा सुन लीजिएगा। पहला बात तो ये है कि ये जो आपका गंगानी कैनियन है, ये आपका गौरबेता पश्चिम मिदनापुर पे स्थापित है। यहाँ से नीचे उतरने के टाइम आप लोगों को थोड़ा देख कर नीचे जाना पड़ेगा। आई मीन यहाँ का जो स्टेयर्स वगैरह है ये बहुत ही छोटा छोटा है, और कुछ देर जाने के बाद तो आपको स्टेयर भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर पत्थर ही ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप लोगों के साथ कोई एजेड पर्सन आए हैं तो मैं यही बोलूँगा कि उसको लेकर यहाँ पर नीचे मत आइए, आई मीन हो सकता है तो, क्योंकि यहाँ पर नीचे उतरने के टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे कोई, लेकिन ऊपर उठने के टाइम आप लोगों को हो सकता है सांस का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ऊपर से ही ये कैनियन का मज़ा लीजिए। तो यहाँ का उत्पत्ति के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। पहला बात तो यहाँ पर प्रचलित है कि महाभारत के टाइम वी और बकरसुर के बीच जो लड़ाई हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसके बाद ये कैनियन का स्थापित हो गया है यहाँ पर, ये आपका प्रचलित कथा है। और दूसरा बात, इसके बाजू में ही आपका शिलावती यानी कि सिलाई नदी है, जो इसका पानी के साथ यहाँ का मिट्टी और जो पत्थर है यहाँ पर वो बह जाने से ये जो आपका कैनियन आप लोगों को दिख रहा है इसका उत्पत्ति हुआ है। यही दोनों बात यहाँ पर प्रचलित है। ये जगह बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर आने के टाइम और नीचे उतरने के टाइम
पानी के बोतल तो साथ में ज़रूर रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो पानी का बोतल साथ में लेकर ही चलिए। इस साइड से जाने से हम लोगों को सिलावती नदी दिखने को मिल जाएगा, सामने ही है, तो चलिए इस रूट पर जाते हैं और देखते हैं। आई थिंक विंटर टाइम इज़ द बेस्ट टाइम यहाँ पर आने का, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर पिकनिक वगैरह भी चलता रहता है और काफ़ी लोग आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। तो उसके साथ साथ बहुत सारा दुकान वगैरह भी लगा हुआ रहता है, तो खाना पीना आप लोग साथ में नहीं खड़ी कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब मिल जाएगा।
अभी तक यहाँ पर तो पिकनिक वगैरह के लिए और बाइक फोर व्हीलर ये सब रखने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आई मीन ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, तो आगे आगे हो सकता है कि यहाँ पर एंट्री फी भी लगा दिया जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर पिकनिक करने के लिए पैसा भी देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो यहाँ पर सब कुछ ही फ्री है, तो आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए, आनंद उठाइए। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से जाने वाले हैं प्रयाग फिल्म सिटी जो चंद्रकणा में है। दो जगह एक ही दिन में डिटेल में प्रोवाइड करने में हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मोटो एक्सपोजर के साथ रहना। हैव अ गुड डे, बाय बाय।